साथ ही उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे नाजिज्म के बारे में। अब आपको पता है नाजिज्म बिल्कुल जर्मनी से रिलेटेड है, हिटलर से रिलेटेड है, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक आइडिया यूरोप के मैप के बारे में होना चाहिए। तो आप अपने डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में है जर्मनी, और जर्मनी के बिल्कुल ईस्ट में है रशिया, नीचे इसके बिल्कुल है ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्विट्जरलैंड है साथ में, फ्रांस है साथ में, बेल्जियम है साथ में, स्पेन है साथ में, और यहाँ पे है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो इसके मैप के बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, जब नाजिज्म की बात करते हैं, नाजिज्म मतलब एक लाइन में अगर डिफाइन कर रहा हूँ नाजिज्म क्या था, तो जैसे एक टॉपिक हमने इससे पहले पढ़ा था फासिज्म। फासिज्म क्या था? एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट था, एक डिक्टेटरशिप वाला गवर्नमेंट था। तो बस नाजिज्म भी वही है, नाजिज्म जो है ये भी एक डिक्टेटरशिप वाला गवर्नमेंट सिस्टम है, जो कि आपको जर्मनी में देखने को मिला था अंडर द लीडरशिप ऑफ हिटलर। तो बस यही है। पर ये जर्मनी डिक्टेटरशिप में कैसे कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इसको समझने के लिए यहाँ की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब होता है उसमें आपको पता है जर्मनी की हार होती है। अब जर्मनी की हार होने के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की क्या पोजीशन थी, पहले उसको थोड़ा समझिए। देखिए, वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जर्मनी में मोनार्की खत्म हो जाती है, मोनार्की खत्म हो जाती है और उसको रिप्लेस करती है रिपब्लिक। और आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ये पावर में आ जाती है, और इसके लीडर थे फ्रेडरिक ईबर्ट। हम जर्मनी की बात कर रहे हैं। इस गवर्नमेंट को हम वाइमार रिपब्लिक भी कहते हैं, इस जर्मनी को हम वाइमार रिपब्लिक भी कहते हैं। वाइमार रिपब्लिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक एरिया है, ये एक जगह का नाम है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग्स हुआ करती थी, और यही पे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूशन जो था जर्मनी का बनाया गया था, इसलिए इसे वाइमार रिपब्लिक भी कहते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जर्मनी में एक प्रेसिडेंट होगा और एक चांसलर होगा। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो ट्रीटी ऑफ वर्साई के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली बहुत ही खास कंडीशन जो थी ये इम्पोज करी गई थी जर्मनी पे। और आपको पता ही है कि अप्रोक्सीमेटली 26.3 बिलियन डॉलर जो था इनको एज ए वॉर रिपरेशन पे करना था, और बहुत सारी टेरिटरीज जो थी इनकी ये भी छीन ली गई थी। तो इससे लोगों में, जर्मन के लोगों में बहुत सारा आपको गुस्सा देखने को मिलेगा। पर ये सब कुछ होने के बावजूद भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि हाइपर नेशनलिज्म से बहुत दूर थी, कम्युनिस्ट पार्टी जो कि हाइपर नेशनलिज्म से बहुत दूर थी, इन लोगों ने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली जर्मनी में। वाइमार रिपब्लिक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है जर्मनी में, तो यहाँ पे बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है ये अराइज हो जाते हैं। सबसे बड़ा तो इकोनॉमिक चैलेंज यही था कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो ये टर्म्स एंड कंडीशंस थी ट्रीटी ऑफ वर्साई की, उसके अकॉर्डिंगली ये 26.3 बिलियन पैसा कैसे चुकाया जाए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वाइमार रिपब्लिक के सामने। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1923 में बेल्जियम और फ्रांस ने जर्मनी का रूर वैली जो था ये उनसे छीन लिया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका एरिया था जर्मनी का, क्योंकि यहाँ से कोल जो था बहुत ही ज़्यादा नंबर में यहाँ पे प्रोड्यूस होता था, और इससे मेटलर्जी इंडस्ट्री जो थी इसी पे बेस्ड थी। तो आप देख रहे हो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है ये धीरे धीरे जर्मनी के लिए कैसे बढ़ रही है। पहले तो ट्रीटी ऑफ वर्साई के अकॉर्डिंगली इतना सारा पैसा इन्हें चुकाना पड़ेगा, फिर उसके बाद इनका जो इंपॉर्टेंट एरिया है कोल प्रोडक्शन वाला वो इनसे छीन लिया जाता है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है, फैक्ट्रीज धीरे धीरे बंद हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा नंबर पे आपको देखने को मिलता है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। तो क्या जर्मनी ने कोई कोशिश नहीं की इसको ठीक करने की? तो बिल्कुल कोशिश की। तो ये लोग अप्रोच करते हैं इंग्लैंड के पास में, अमेरिका के पास में, कि हमारी मदद की जाए। और मदद के लिए फिर अमेरिकन्स ने एक अपना फाइनेंशियल एक्सपर्ट जिसका नाम था दाविस, उसको अपॉइंट किया, जिसको हम दाविस प्लान भी कहते हैं। तो इस प्लान के अकॉर्डिंगली बहुत सारा रिलैक्सेशन जो था जर्मनी को प्रोवाइड किया गया 1924 में। क्या रिलैक्सेशन थे? इनको बोला कि अपनी तो एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस कर दो, सेंट्रल बैंक बना लो ताकि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं इसको कंट्रोल किया जा सके, फॉरेन एड इनको मिलना चाहिए, ऐसा कुछ रिकमेंडेशन दिया गया इस दाविस प्लान में। फिर ऐसे 1929 का अगर आप टाइम देखोगे तो वहाँ पे एक यंग प्लान भी आपको देखने को मिलता है, जो बहुत ज़्यादा हमारे काम का नहीं है। तो इतने सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो थे ये फेस करने पड़े थे वाइमार रिपब्लिक को आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जाहिर सी बात है अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी तो इसके खिलाफ रिसेंटमेंट लोगों का देखने को मिलेगा, रिवोल्ट लोगों का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम कम से कम तीन रिवोल्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो 1919 में जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो जो पहला आपको रिवोल्ट देखने को मिलता है वाइमार रिपब्लिक के अगेंस्ट वो था स्पार्टाकिस्ट लीग। तो ये लोग क्या चाहते थे? ये लोग चाहते थे कि जर्मनी में कम्युनिज्म आ जाए, लेकिन ये फेल हो गया। 1920 में रॉयलिस्ट, रॉयल लोग वो थे जो कि मोनार्की को एस्टेब्लिश करना चाहते थे। जर्मनी में पहले मोनार्की थी, वर्ल्ड वॉर के बाद
मोनार्की खत्म होगी, तो ये लोग चाहते थे कि मोनार्की वापस एस्टेब्लिश किया जाए, और इसको लीडरशिप कौन दे रहा था, डॉक्टर कार, लेकिन ये भी फेल हो गया। फिर इसी तरीके का एक और रिवोल्ट आपको देखने को मिलता है 1923 में, जब ल्यूडेंडॉर्फ विद द हेल्प ऑफ हिटलर इन लोगों ने भी तख्ता पलट करने की कोशिश की, लेकिन ये असफल रहते हैं और इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। और यहीं पे जेल में हिटलर ने अपनी किताब लिखी माइन कैफ, ठीक है, ये बुक का नेम भी आप याद रख सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि जेल में इसने कौन सी किताब लिखी थी। प्रॉब्लम्स बहुत है हमारे रिपब्लिक के सामने, रिवोल्ट हो रहे हैं, अब जाहिर सी बात है कि इसमें किसी ना किसी लीडर का इमरजेंस तो होगा ही, तो इसी में एक लीडर का इमरजेंस होता है जिसे हिटलर कहते हैं, और हिटलर पिछले स्लाइड में हमने देख लिया कि किस तरीके से वो पिक्चर में आता है। अब थोड़ा सा और डिटेल में हम देखते हैं हिटलर के बारे में। तो हिटलर की जब हम बात करते हैं तो इसने आर्मी में भी सर्विस अपनी प्रोवाइड की थी ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इसका मानना था कि जर्मनी के डिफीट में कहीं ना कहीं जूस और कम्युनिस्ट लोग जो थे ये बहुत हद तक रेस्पॉन्सिबल थे। 1919 में साथियों इसने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन लेबर पार्टी का गठन किया, और इसी पॉलिटिकल पार्टी ने 1932 के इलेक्शन में मेजॉरिटी प्राप्त की, और इस तरीके से हिटलर चांसलर बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। और चांसलर बनने के बाद इसने इनेबलिंग एक्ट 1933 पास किया, और इसका सिंपल सा मतलब यही था कि इसने बहुत सारा पावर अपने आप को दे दिया, और एक तरीके से ये डिक्टेटर बन जाता है। एक और इवेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लाइफ में, क्योंकि यहाँ से अब एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो है इसके हाथ में आ जाएगी। राइस्टैग फायर, राइस्टैग आप इसको ऐसे समझिए कि ये पार्लियामेंट था जर्मनी का, यहाँ पे आग लगता है 1933 में ही, एलिगेशंस लगाया जाता है कम्युनिस्ट लोगों पे, हालांकि लोगों का मानना है कि ये आग इसने खुद ही लगवाया था, लेकिन ये एलिगेशंस लगाता है कम्युनिस्ट लोगों पे, और धीरे धीरे सभी कम्युनिस्ट को इसने अपने रास्ते से हटा दिया। इस तरीके से हिटलर एक आर्मी पर्सोनल से डिक्टेटर तक का ये सफर तय करता है। अब ये नाजिज्म है क्या? देखिए, नाजिज्म अगर आप शब्द देखोगे तो ये दो शब्द से मिलके बना है, ना और जी, तो ना का मतलब नेशनल, ठीक है, और ये जी जो है ये सोशलिस्ट, तो ये जो इसने पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी नेशनल सोशलिस्ट, तो इसी का शॉर्टकट वर्जन जो है नाजिज्म है। नाजिज्म है क्या? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, नाजिज्म जो है बेसिकली इट्स अ जर्मन वर्जन ऑफ फासिज्म, ठीक है, अंडर हिटलर। इनफैक्ट आप कह सकते हैं इट वॉज मोर क्रूवल देन फासिज्म इन इटली अंडर द लीडरशिप ऑफ मुसोलिनी। तो नाजिज्म अगर आपसे कोई पूछे नाजिज्म क्या है, तो नाजिज्म क्या है, बेसिकली इट वॉज अ डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट, बस यही है नाजिज्म। प्रिंसिपल्स क्या थे इसके? एक्सट्रीम नेशनलिज्म, हाइपर लेवल का नेशनलिज्म, देश से ऊपर कुछ नहीं, अथॉरिटेरियनिज्म, पावर एक ही बंदे के पास होगा, कोई पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं। ऑब्वियस बात है कि जहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म होगा तो वहाँ पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैसे आएगी? वॉर को ग्लोरीफाई करना, लोगों के मन में ये बात बैठाना कि वायलेंस जो है इट इज द हाईएस्ट ड्यूटी ऑफ मैन, और ये अपना जो इंस्पिरेशन है ये कहाँ से लेते हैं? टीटोनिक एम्पायर, जो कि 9th और 10th सेंचुरी AD में जर्मन का एक बहुत बड़ा एम्पायर था। अब ये पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे सेम ही हैं, अगर हम कंपेयर करके देखें फासिज्म के साथ में, तो वो लोग भी अगर इंस्पिरेशन की बात करें तो कहाँ से इंस्पिरेशन लेते थे? रोमन एम्पायर ऑफ पास्ट, जूस के प्रति हेट्रिड, और जर्मन लोग जो हैं इनको सुपीरियर शो करना दुनिया के बाकी जो दूसरे ह्यूमन रेसेस उसके कंपेरिजन में, ये इनके प्रिंसिपल्स थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कम्युनिज्म नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट इन्होंने कम्युनिस्ट लीडर्स को खत्म करने के लिए एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया था जिसका नाम था नाइट ऑफ लॉन्ग नाइफ, और जहाँ पे इन्होंने धीरे धीरे सभी टॉप कम्युनिस्ट लीडर जो थे इनको मारना चालू किया, और इस पर्पज के लिए इन्होंने एक गैंग भी बनाया, गैंग ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स, जिसको ये लोग ब्राउन शर्ट कहते थे, ठीक उसी तरीके से जैसे फासिज्म में हमने ब्लैक शर्ट देखा था। इनका प्रिंसिपल ये भी कहता है कि एक ही लोग होने चाहिए, जर्मन रेस के लोग होने चाहिए, आर्यन लोग होने चाहिए, एक ही एम्पायर होगा जर्मन एम्पायर, और एक ही लीडर होगा, ये प्रिंसिपल था। इनके प्रिंसिपल में एक और टर्म आता है लुबिनसराम, इसका मतलब होता है लिविंग स्पेस। तो इनका मानना था कि अब इतने सारे टेरिटरीज को जब ये लोग कैप्चर कर लेंगे तो जर्मन लोग रहेंगे कहाँ पे, उसके लिए और नए टेरिटरीज की जरूरत पड़ेगी। तो लुबिनसराम का सिंपल सा मतलब होता है न्यू टेरिटरीज, और इसको एक्वायर करना पड़ेगा इन्हें, और नए टेरिटरीज को एक्वायर करना मतलब सिंपल लुबिनसराम का मतलब है एक्सपेंशनिज्म। और इसका एग्जांपल हमें कैसे पता चलता है कि इन्होंने अटैक कर दिया पोलैंड पे, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो ये इनके प्रिंसिपल्स हैं, ये टर्म आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटीज, तो हिटलर जब डिक्टेटर बन जाता है तो इसने क्या किया? तो सबसे पहले तो इसने कम्युनिस्ट पार्टी को बैन किया, इनफैक्ट जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी उस समय की सभी को इसने बैन कर दिया, सिविल राइट्स को इसने खत्म कर दिया,
नाजी पार्टी का जो फ्लैग था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको नेशनल फ्लैग बना दिया, पार्लियामेंट को खत्म कर दिया और पार्लियामेंट का पावर खुद अपने को ट्रांसफर कर लिया। एंटी जूस पॉलिसी इसने अडॉप्ट की, जूस को जर्मन सिटीजनशिप अब नहीं मिलेगा, इकोनॉमिक और कल्चरल बॉयकट करना इन लोगों ने चालू किया, मिलिट्री रिफॉर्म इसने शुरू किया, कैसे कि जर्मन आर्मी में सिर्फ जर्मन लोग ही रहेंगे। फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें अंडर द लीडरशिप ऑफ हिटलर, तो इसने सबसे पहले बोला कि हम ट्रीटी ऑफ वर्साई को नहीं मानते हैं क्योंकि ये तो डिक्टेटेड पीस है, लीग ऑफ नेशन से बाहर आ गया, ऑस्ट्रिया को जर्मनी से मिला लिया इसने, ये फॉरेन पॉलिसी में इतने बड़े स्टेप लिए इसने, रीआर्मामेंट कर दिया। तो अगर हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्साई की टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंगली ये बहुत ज़्यादा अपनी आर्मी जो है बढ़ा नहीं सकता, लेकिन इसने वापस से आर्मी को बढ़ाना चालू कर दिया। राइनलैंड की जब हम बात करते हैं तो ट्रीटी ऑफ वर्साई के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे भी इसने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करना चालू कर दिया। फिर फॉरेन पॉलिसी में जो सबसे बड़ा इसने स्टेप लिया वो ये था कि इटली के साथ इसने फ्रेंडशिप जो था इसको और ऊंचाइयों पे लेके गया, और जर्मनी और इटली ने मिलके फ्रांको जो कि एक स्पेन का मिलिट्री जनरल था इसकी मदद की वहाँ की रिपब्लिकन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए, और इसमें ये सफल भी रहे और फ्रांको एज ए डिक्टेटर स्पेन में एस्टेब्लिश हो जाता है। और इस तरीके से आप कह सकते हैं एक नया एक्सिस बन जाता है इटली जर्मनी एंड स्पेन का। अब फिर से वही सवाल है कि आखिरकार नाजिज्म आया ही क्यों? तो अब ये चीज़ आपको समझ लगी होंगी, सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वर्साई, क्योंकि इसे बहुत ये जो टर्म्स एंड कंडीशन थी ट्रीटी ऑफ वर्साई की ये बहुत ज़्यादा हर्ष थी जर्मनी के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है कि ऐसा कोई ना कोई सिस्टम तो डेवलप करना ही था जहाँ पे ना सिर्फ अपने देश को मजबूत करे बल्कि ग्लोबल लेवल पे अपने आप को एस्टेब्लिश करे कि वी आर वेरी पावरफुल, नो वन कैन इम्पोज दीज काइंड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन अस। फिर उसके बाद ये सार रीजन, रू रीजन जो था ये फ्रांस को दिया जाना एज पर ट्रीटी ऑफ वर्साई, ये भी इनके अगेंस्ट था। ऐसी अगर हम बात करें तो वीक वीमार लीडर्स, तो अगर मान लो कि वीमार लीडर्स अगर बहुत स्ट्रांग होते तो हिटलर का राइज कभी हो ही नहीं पाता, ग्रेट डिप्रेशन सिचुएशन और इससे ख़राब हो जाती है, और कहीं ना कहीं हिटलर को यहाँ से आइडिया मिल जाता है, एक मौका मिल जाता है कि लोगों को कैसे गुमराह करना है और अपने आप को पावर में एस्टेब्लिश करना है, स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। और हिटलर तो बार बार से ही कह रहा था कि जर्मनी के डिफीट में कम्युनिस्ट लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, और आप कह सकते हैं पर्सनैलिटी ऑफ हिटलर, हिटलर की जो पर्सनैलिटी थी अगर उसमें वो जज्बा ना होता, वो विजन ना होता, तो ये कभी पॉसिबल हो ही ना पाता, वो कभी पावर में आ ही नहीं पाता, कभी वो डिक्टेटर बन ही ना पाता। इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका, नाजिज्म का इम्पैक्ट क्या पड़ा? तो देखो इसने शुरुआत की, इसकी शुरुआत की वर्ल्ड वॉर सेकेंड की, क्योंकि हमने लुबेनसराम एक टर्म देखा था उसका मतलब क्या था कि उनको नए टेरिटरीज को एक्वायर करना चाहिए, क्योंकि जो आर्यन लोग हैं वो कहाँ पे रहेंगे, उसके लिए नए एरिया की जरूरत पड़ेगी, और इसी पॉलिसी को फॉलो करते हुए इन्होंने पोलैंड पे अटैक कर दिया और वहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। तो नाजिज्म का सबसे पहला इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि इसने वर्ल्ड वॉर सेकेंड की नींव रखी, इसने इसका बेस बनाया, एग्जीक्यूशन ऑफ जूस आपको पता ही है, ट्राई पार्टाइट पैक्ट्स, और दो दो ऐसे समझौते होते हैं। फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें अंडर द लीडरशिप ऑफ हिटलर, तो ये वाला तो पॉइंट हमने देखा है कि जर्मनी इटली और स्पेन के बीच में कैसे एक दोस्ती बन जाती है, और एट द सेम टाइम जर्मन इटली ने मिलकर जापान के साथ भी फ्रेंडशिप कर लिया, और फिर जब आप सेकंड वर्ल्ड वॉर देखोगे तो ये सभी लोग मिलकर लड़ रहे हैं, हालांकि स्पेन का जो रोल था वो न्यूट्रल था, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन आप कह सकते हो कि ऑन पेपर इन प्रिंसिपल कम से कम ये लोग इसी को सपोर्ट कर रहे थे, स्पेन वाले टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ठीक है, और एट द सेम टाइम वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो ये है साथियों नाजिज्म। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद।